from street vendors to grocery stores. Just scan the QR code. डिमोनेटाइजेशन के बाद कैश की जगह UPI ने ले ली थी. हम सबको भी आदत हो गई थी, झट से स्मार्टफोन निकाला और पेमेंट कर दी. लेकिन अब ये आदत थोड़ी सी महंगी पड़ने वाली है क्योंकि UPI से पेमेंट करने पर अब चार्ज लगेगा. Hi, this is Bhavna and you are watching Good Returns. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी PPI के जरिए UPI ट्रांजैक्शन करने पर इंटरचेंज फी को इंट्रोड्यूस किया है. चार्ज 2000 से ऊपर पेमेंट करने पर एप्लीकेबल होगा एंड 1.1% का चार्ज होगा जो कि 1 अप्रैल से लागू हो रहा है. ओके, आपको शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या UPI से पेमेंट करने पर ही चार्ज देना होगा. माने आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं एंड 2000 से ऊपर की पेमेंट पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली क्या है ये पूरा मैटर वो मैं आपको समझाती हूँ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. तो NPCI का सर्कुलर क्या कहता है? UPI की गवर्निंग बॉडी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ऑनलाइन मर्चेंट्स, बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट को किए गए 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज फीस लगेगी. सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाले को 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन वैल्यू को लोड करने के लिए रेमिटर बैंक को फीस के तौर पर 15 बेसिस पॉइंट्स का पेमेंट करना होगा. मतलब ये कि मान लीजिए पेटीएम एक PPIS इश्यूअर है, ग्राहक ने 2500 रुपीज़ 2500 रुपये SBI अकाउंट से पैसा वॉलेट में डाला, तो पेटीएम रेमिटर बैंक SBI को ट्रांजैक्शन लोड करने के लिए 15 BPS का पेमेंट करेगा. पहले ये जान लेते हैं कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और PPI ये क्या होता है. तो देखिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक तरह का पेमेंट वॉलेट हो सकता है. इसके अलावा ये स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक चिप, वाउचर, मोबाइल वॉलेट जैसे रूप में हो सकता है. इसमें कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी दूसरे PPI से वैल्यू ट्रांसफ़र की जा सकती है. एग्जाम्पल बहुत ईजिली समझते हैं, जैसे कि पेटीएम वॉलेट हो गया, फ़ोनपे वॉलेट हो गया, अमेजोन पे हो गया, फ्रीचार्ज वॉलेट हो गया, इवन गिफ्ट कार्ड्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज अ PPI पेमेंट वाया UPI? तो मतलब ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो वॉलेट से की गई है, जैसे पेटीएम वॉलेट थ्रू अ UPI QR कोड, जैसे आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं और आप मर्चेंट के UPI QR कोड के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, तो 2000 रुपीज़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर आपको 1.1% का इंटरचेंज फीस देनी होगी. तो अब ये इंटरचेंज फी क्या है? तो वो शुल्क या वो फीस जो रिसीवर बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर चार्ज करते हैं मर्चेंट से. इंटरचेंज फीस आमतौर पर कार्ड पेमेंट से जुड़ी होती है और इसे ट्रांजैक्शन की लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है. तो ये चार्जेस कौन पे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टोर पर PPI पेमेंट कर रहे हैं वाया UPI, QR कोड फोन पे का है, तो फोन पे को मर्चेंट से एप्लीकेबल इंटरचेंज फीस रिसीव होगी. तो क्या आपको कुछ पे करना है, आम यूजर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं. इसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी इंडिविजुअल को ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी अनइफेक्टेड रहेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट और PPI वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर P2P, पीयर टू मर्चेंट P2M ट्रांजैक्शन पर ये लागू नहीं होता. मतलब ये कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को, किसी दुकानदार को पेमेंट किया तो मुझे कोई फीस नहीं देनी है. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वॉलेट या कार्ड के जरिए व्यापारियों को किए गए UPI पेमेंट पर 1.1% का इंटरचेंज फीस लगेगी. बैंक टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट ट्रांजैक्शन जीरो है. NPCI ने ये क्लियर किया है कि इंटरचेंज चार्जेस सिर्फ PPI मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल है एंड देर इज नो चार्ज टू कस्टमर, और नॉर्मल UPI पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. 1.1% की सबसे ऊंची फीस है ये 1.1%. कई मर्चेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें इससे कम इंटरचेंज फीस देनी होगी, जैसे पेट्रोल पंप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए UPI पेमेंट किया तो इंटरचेंज फीस 0.5% लगेगी. इसी तरह म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, एजुकेशन पेमेंट पर अलग अलग इंटरचेंज फीस है, यानी कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है. आई होप आपको इस टॉपिक पर अब क्लैरिटी मिल गई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय बाय.